खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। देश एवं प्रदेश भर में कोरोना वायरस के संभावित खतरे को लेकर सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए 21 दिनों के लिए हुए लॉकडाउन के बाद गरीब तबके व दिहाड़ी के मजदूरों को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब तबके व दिहाड़ी के मजदूरों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए सोनकच्छ नगर की जय हिंद सेवा समिति ने हाथ बढ़ाया है। सैकड़ों गरीबों व दिहाड़ी के मजदूरों को अपने निजी व्यय से प्रतिदिन भोजन के पैकेट एवं खाद्य सामग्री देकर मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। इतना ही नहीं, दूसरे प्रदेश और शहरों से लॉकडाउन के बाद पैदल अपने घर जा रहे मजदूरों को समिति के द्वारा भोजन करवाते हैं और उसके बाद उनके लिए वाहनों की व्यवस्था कर इन लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। जहां एक ओर कोरोना वायरस से डर के एक दूसरे के पास तक नहीं जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जय हिंद सेवा समिति के सदस्य अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर गरीब दिहाड़ी मजदूरों एवं पैदल यात्रियों के लिए जय हिंद सेवा समिति के सदस्य मसीहा बने हुए हैं। कब से आप लोग ये सेवा समिति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं? 25 मार्च से हम, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये सेवा चालू है हमारी, और जब से सोनकच्छ नगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम 400-500 लोगों को रोजाना खाना खिला रहे हैं। बाहर के जो भी लोग आ रहे हैं, यूपी से, महाराष्ट्र से, जिधर से भी लोग आते हैं, सोनकच्छ बाईपास पे आते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं, उनको गाड़ी की व्यवस्था करते हैं और जहाँ तक की भी व्यवस्था हो जाती है गाड़ियों की, उन्हें वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। तो ये समिति स्वयं वे कर रही है कि शासन की ओर से को मदद मिल पाई है आप लोगों? शासन की तरफ से तो अभी तक कुछ मदद नहीं मिल पाई है। सोनकच्छ नगर आसपास के गांवों से कहीं से गेहूँ, कहीं से कुछ भी पैसा, नगद पैसा, तेल के डब्बे सोनकच्छ नगर से व्यापारी सभी बंधुओं का, सभी समाजजनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कब तक चलेगी आपकी ये? जब तक भी लॉकडाउन रहेगा, जब तक हम सेवा निरंतर हमारी जारी रखेंगे। सोनकच्छ से रुपेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।